हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे चैनल फार्मासिस्ट एक्टिवेशन 1155 में। आज हम डिस्कस करेंगे अपने बी फॉर्म फिफ्थ सेमेस्टर में इंडस्ट्रियल फार्मेसी फर्स्ट सब्जेक्ट, जिसमें हमारा आज का टॉपिक रहेगा मेथड ऑफ हार्ज रेटन कैप्सूल्स मैन्युफैक्चर, जिसमें हमारा सेकंड मेथड रहेगा जिसका नाम है कैप्सूल फिलिंग मशीन हैंड ऑपरेटेड। इससे पहले हमने इससे पहले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं पंच मेथड के बारे में, जो कि ये भी एक हमारा मैन्युफैक्चर ऑफ हार्ज रेटन कैप्सूल का मेथड है। ठीक है, तो बेसिकली आज के हम इसमें उसी के आगे के जो हमारे मेथड्स बचे हुए थे मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हार्ज रेटन कैप्सूल के बारे में, उनके बारे में हम जो है आज डिटेल में देखेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम आपके लिए बता दें, हमारा नाम है सीएन सिंह, आप लोगों से हमारी रिक्वेस्ट है प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कैप्सूल फिलिंग मशीन जो हमारी हार्ड रिटन कैप्सूल्स होते हैं उनके लिए फिल करने के लिए हमारी जो मशीन होती है उसका हैंड ऑपरेटेड के नेम से उसके लिए हम जानते हैं। इट कंटेन बेड हैविंग, ये जो है बेड हैविंग की तरह होती है जिसमें जो है 200 से 300 तक होल्स होते हैं। फिर इसमें हम लोडिंग करते हैं ट्रे में, हैविंग 200 से 300 होल्स पाउडर ट्रे, फिर उसमें पाउडर ट्रे हमारी मतलब लगी हुई होती है। एंड पिन प्लेट होती है जिसमें 200 से 300 पिन्स होती हैं, सीलिंग प्लेट एक लगी हुई होती है, एंड हैविंग रबर टॉप इसमें लगा हुआ होता है और एक लेवर होता है लगा हुआ है, एंड कैम हैंडल इसमें लगा हुआ होता है। बात करते हैं इसके वर्किंग की, इसमें ये जो है ये मेथड मतलब ये मशीन किस तरह से अपना काम करती है। तो इसमें जो है एम्प्टी कैप्सूल्स जो हमारे होते हैं उनके लिए हम फिल करते हैं इन द लोडिंग ट्रे से, जो ट्रे उसमें जो लोड की हुई होती है उससे हम जो है इसमें ट्रे कर मतलब फिल करते हैं। फिर उनके लिए हम प्लेस ओवर दी बेड करते हैं, द केम हैंडल इज ऑपरेटेड टू सेपरेट, उसके बाद में फिर हम उसके लिए हैंडल करने के बाद ऑपरेट करते हैं सेपरेट करते हैं। फिर कैप्सूल के कैप हम जो है बॉडी में लगाते हैं, द पाउडर ट्रे इज प्लेस इन ए प्रॉपर पोजिशन एंड फिल विद एन एक्यूरेट क्वांटिटी ऑफ वाटर क्वांटिटी ऑफ पाउडर विथ स्क्रैपर। ठीक है, द एक्सेस ऑफ पाउडर जो हमारा उसमें जो पाउडर बचा हुआ होता है उसके लिए हम कलेक्ट करते हैं ऑन द प्लेटफॉर्म में ऑफ द पाउडर ट्रे में। फिर जो है उसकी पिन प्लेट जो है लोअर एंड द फिल करते हैं, पाउडर इज फिर प्रेस बाय मूविंग द पिन डाउनवर्ड, आफ्टर प्रेसिंग के बाद में हम जो है प्रेस करने के बाद जो पिन हमारी होती है उसे हम प्लेट में रेस करते हैं, एंड द रिमेनिंग पाउडर जो हमारा होता है उसके लिए फिल करते हैं बॉडीज में। फिर जो हमारा कैप्सूल्स है ऑफ द कैप्सूल की बॉडी में उसके लिए हम फिल करते हैं। फिर जो हमारी पाउडर ट्रे होती है उनके लिए रिमूव उनसे जो है रिमूव करते हैं अपने आफ्टर इट कंप्लीट फिलिंग प्रोसेस के बाद। फिर जो है जो कैप होल्डिंग ट्रे इज अगेन प्लेस इन पोजिशन, द प्लेट विथ रबर टॉप इज कवर एंड द लेवर इज ऑपरेटेड टू लैग द कैप्स एंड बॉडीज, द लोडिंग ट्रे इज देन रिमूव एंड देन फिल कैप्सूल्स आर कलेक्टेड। फिर जो हमारे कैप्सूल्स बहुत ही आसान तरीके से जो है मतलब फिल हो जाते हैं और वो हम उनके लिए फिर कलेक्ट करते हैं। फिर बाद में बात करते हैं हम सीलिंग ऑफ कैप्सूल, यानी कि कैप्सूल हमारा जो फिल हो जाता है उसके बाद में हम उसकी सीलिंग कैसे करते हैं। तो दिस इज डन जब इंश्योर, जब हमारे लिए मतलब कैप्सूल इंश्योर मतलब बंद ये प्रोसेस हो जाती है उसके बाद में मेडिकमेंट में नॉट कम आउट द कैप्सूल ड्यू टू रफ हैंडलिंग, दिस इज डन बाय, जैसे कि इसमें फिर हम सीलिंग करने में के लिए सबसे पहले हम बैंडिंग करते हैं उसकी जहां पर प्लेसिंग हो, जिलेटिन की कलर बैंड्स एंड द मैग्नेटिक पॉइंट ऑफ कैप एंड द बॉडीज। ठीक है, फिर उसकी मॉइस्चरिंग करते हैं द इनर सरफेस ऑफ कैप्स विद ल्यूकोबार्म जिलेटिन सॉल्यूशन। फिर इसमें हम स्पोर्ट वेल्डिंग करते हैं सील करने के लिए, स्पोर्ट वेल्डिंग का यूज करते हैं जिसमें हम ज्वाइंट जो ज्वाइंट होते हैं उनमें हम जो है लीव्स ए रिंग लाइक अपीयरेंस एट द पॉइंट ऑफ से उसके लिए जो सील करते हैं। एंड लास्ट में हमारा आता है थर्मल वेल्डिंग, यानी कि हम उसके सील कैप्सूल को सील करने के लिए थर्मल वेल्डिंग का यूज करते हैं जो कि अप्लाई होती है बेटिंग सॉल्यूशन में। एंड द मेल्टिंग पॉइंट्स एंड जो है हमारा जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो उसमें उसका कारण उसके कारण जो है उसकी लोअरिंग और मेल्टिंग पॉइंट की अप्लाई होती है एरिया उसी एरिया पर पर्टिकुलर एरिया पर। फाइनली दे आर सील्ड, फिर हम जो उसके लिए सील करते हैं तो एट द टेम्परेचर हम उसका 40 to 45 डिग्री सेंटीग्रेड रखते हैं। नेक्स्ट में हम बात करते हैं पॉलिशिंग एंड क्लीनिंग, फिर जो हमारा कैप्सूल की जो है सील करने के बाद हम उस पर पॉलिशिंग करते हैं क्लीनिंग ऑफ द फिर उसके लिए क्लीन वगैरह करते हैं कैप्सूल को। तो जो हमारा कैप्सूल जब फिल हो जाता है तो हमारी रिक्वायर होती है क्लीनिंग करने के लिए एंड जो कि स्मॉल क्वांटिटी ऑफ कैप्सूल्स कैन बी बिप्ड इंडिविजुअली विद सॉफ्ट क्लॉथ। ठीक है, सॉफ्ट क्लॉथ से हम उसके लिए फिर जो है उसकी पॉलिशिंग करते हैं। ये प्रोसेस जब हो जाती है तब हम उसमें पैन पॉलिशिंग करते हैं, जैसे कि हमारी पैन पॉलिशिंग में हम एसिला
एसिला कोटा पैन यूज करते हैं डस्ट एंड पॉलिश में, ठीक है। कैन क्लोज डस्टिंग में हम कैप्सूल आर रब विद क्लोथ एंड ब्रशिंग करते हैं, फिर ब्रशिंग की प्रोसेस में हम कैप्सूल को जो है फीड अंडर सॉफ्ट रोटेटिंग ब्रश में जो है रखते हैं। फिर हम इसके लिए स्टोरेज की बात करें, यानी कि हम अपने हार्ड जिलेटिन कैप्सूल को फिर किस तरह से स्टोर करते हैं, तो फिनिश कैप्सूल नॉर्मली कंटेन एन इक्विलिब्रियम मॉइस्चर कंटेंट ऑफ 30-16% टू मेंटेन रिलेटिव ह्यूमिडिटी, जो कि 40-60% होती है। जब हम हैंडलिंग करते हैं अपने स्टोरिंग को कैप्सूल को, तो उसमें पर उसकी जो ह्यूमिडिटी होती है रिलेटिव ह्यूमिडिटी वो 40-60% होती है। लास्ट में हमारा जो मेथड बचा हुआ है वो है सेमी ऑटोमेटिक फिलिंग मशीन। ये मशीन जो है किस तरह से अपना फॉर्मूला, इस मशीन का क्या फॉर्मूला होता है, किस तरह से ये अपना वर्क करती है, तो देर आर थ्री स्टेशन इन दिस सेमी ऑटोमेटिक कैप्सूल फिलिंग मशीन। यानी कि इस जो सेमी ऑटोमेटिक फिलिंग मशीन है कैप्सूल की, उसमें जो है थ्री स्टेशन के पर ये जो है अपना वर्क करता है। फर्स्ट इज हमारा ओरिएंटेशन ऑफ कैप्सूल, कैप्सूल की क्या ओरिएंटेशन होती है उसके बेसिस पर, एंड पाउडर फिलिंग, जो हमारा पाउडर है वो किस बेसिस का, उसमें किस तरह का मतलब फिल करना है उसके बेसिस पर अपना ये काम करती है, एंड कैप्सूल क्लोजिंग किस तरह का हमारा कैप्सूल है उसके बेसिस पर ये अपना काम करती है। नेक्स्ट में हम बात करते हैं इसमें इवेल्यूएशन ऑफ कैप्सूल, यानी कि जो हमारा कैप्सूल होता है उसके लिए हम इवेल्युएट कैसे करते हैं, तो मतलब जो हमारा कैप्सूल बन गया उसके लिए हम इवेल्युएशन करने के लिए 20 कैप्सूल्स लेंगे, रैंडमली सेलेक्ट करेंगे, वेट करेंगे उनके लिए इंडिविजुअली, हम उसमें जो एवरेज वेट कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। इतना करने के बाद हम उसमें एवरेज वेट वेरिएशन निकालेंगे लेस देन जो कि 300 mg या 300 mg से ज़्यादा होगा। तो यदि हमारा जो परसेंटेज ऑफ डेविएशन में देखा जाए तो हमारा जो कैप्सूल्स है वो लेस देन 300 mg होगा, तो हमारा वो डेविएशन परसेंट का 10 होगा, और 300 mg से मोर ज़्यादा होगा तो हमारा जो डेविएशन ऑफ परसेंटेज है कैप्सूल्स का वो 7.5% होगा। नोट, एक चीज़ याद रखें, जो हमारा डेविएशन है एज पर इंडियन फार्माकोपिया के, जो हमारा परसेंटेज में डेविएशन है ना कैप्सूल्स का, वो इंडियन फार्माकोपिया के अनुसार है। तो इसमें हम जो है तीन मेथड को लिए भी हम इसमें यूज करते हैं इवेल्यूशन करने के लिए, थ्री फिनोमेना हमारे वर्क करते हैं। फर्स्ट है हमारा कंटेंट यूनिफॉर्मली टेस्ट, इसमें हम क्या करते हैं, द अमाउंट ऑफ एक्टिव इंग्रेडिएंट्स शुड बी विद इन द रेंज ऑफ 85-115% ऑफ द लेवल अमाउंट फॉर 9 of 10 कैप्सूल हम इसमें लेते हैं, ठीक है। विद नो यूनिट आउटसाइड द रेंज ऑफ 70-5% ऑफ लेवल अमाउंट, जिसमें जो है अपना वर्क मतलब इस तरह से उसका होता है। नेक्स्ट में हमारा इसमें दूसरा फिनोमेना लगता है, वो है हमारा डिसइंटीग्रेशन टेस्ट फॉर कैप्सूल्स। तो इसमें क्या होता है, फिलेस बन कैप्सूल्स हम लेते हैं, ईच सिक्स ट्यूब में हम उसके लिए रखते हैं, और बास्केट में असेंबली उसकी सस्पेंडेड सिमुलेटेड GIT जो फ्लूड होता है उसमें मेंटेन करने के लिए हम उसमें जो है टेम्परेचर अपना मेंटेन करते हैं, जो कि GIT फ्लूड में जो उसका जो कैप्सूल्स का जो सस्पेंडेड या सिमुलेटेड है वो अपना मतलब मेंटेन रहे टेम्परेचर, उसके लिए हम 37-2 °C रखते हैं, जो कि हमारे लिए ऑब्जर्व है टाइम ऑफ डिसइंटीग्रेशन पर। हार्ड जिलेटिन कैप्सूल्स हमारे होते हैं वो 30 मिनट में डिसइंटीग्रेट होते हैं, और जो सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल्स होते हैं वो 60 मिनट में डिसइंटीग्रेट होते हैं। ये हमारा फिनोमेना था एक इवेल्यूशन ऑफ कैप्सूल्स का। नेक्स्ट में हमारा जो लास्ट में फिनोमेना है वो डिसोल्यूशन टेस्ट, यानी कि हमारा जो इवेल्यूशन ऑफ कैप्सूल में लास्ट में जो फिनोमेना है वो डिसोल्यूशन टेस्ट, यानी कि जो हमारा कैप्सूल हमने बनाया वो कितनी देर में डिसोल्व होगा या कि उसका क्या फिनोमेना उस पर डिसोल्यूशन टेस्ट में वर्क करेगा। तो प्लेस बन कैप्सूल हम इसमें भी लेते हैं, जो कि 100 ml सिमुलेटेड गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल फ्लूइड में मेंटेन करने के लिए 37-2 °C उसका टेम्परेचर रखते हैं, जो कि एट ए स्पीड ऑफ 100 rpm होता है। ऐसे स्पेसिफाई मोनोग्राफ रिक्वायर अमाउंट ऑफ सैंपल विदड्रॉन एट स्पेसिफाई टाइम इंटरवल, इसके लिए एक स्पेसिफाई टाइम जो है इंटरवल रखता है, जो मायने रखता है। इस तरह से अपना इवोल्यूशन ऑफ कैप्सूल के लिए हम प्रोसेस पूरी करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपके लिए इस वीडियो बहुत ही अच्छे समझ में आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।